हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे आप देखो कि आप ट्विन क्राफ्ट की मदद से एक अच्छा खासा कार्टून बना सकते हो। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको ट्विन क्राफ्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप दो चीज़ें बना सकते हो, एक वीडियो और एक कॉमिक। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाना है। अगर आप चाहो कि मैं आपको बताऊँ कॉमिक कैसे बनाना है तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने वीडियो पे क्लिक किया, ये अभी लोड हो रहा है। लोड होने के बाद देखिए ये लोड हो चुका है, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड मिल रहे हैं। जहाँ पे ये स्टार बैकग्राउंड दिखा रहे हैं ये आप बाय कर सकते हो, लेकिन कुछ बैकग्राउंड ऐसे है जो फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं पहले एक बैकग्राउंड चूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देख लेता हूँ कौन सा बैकग्राउंड मैं चूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से एक सेकेंड, तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड चूज़ कर रहा हूँ, यह है ये डिस्को वाला बैकग्राउंड। तो मैं ये डिस्को पे क्लिक फ्री पे क्लिक करूँगा एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे एक कैरेक्टर चूज़ करना है, तो मैं दो कैरेक्टर लेने जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक ये टॉम कैरेक्टर, ठीक है, और एक ये टिक कैरेक्टर। मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इनका कुछ ऑफ़र चल रहा है, आप चाहो तो ये परचेस कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे बेसिक मंथली, बेसिक ईयरली और प्रो ईयरली है, ये आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है। तभी हम क्रॉस करते हैं और ये देखिए हमारा दोनों कैरेक्टर आ चुका है। पहली जो कैरेक्टर है इसका नाम टिक है और दूसरा जो कैरेक्टर है इसका नाम टॉम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि टिक बात करें, तो टिक के बात करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो आप माइक देख रहे हो ना, आपको माइक पर क्लिक करना है। जैसे आप माइक पर क्लिक करोगे तो ये टिक जो है बोलने लगेगी। तो एक सुन मैं आपको दिखाता हूँ, मैं करिए, ठीक है, एक मिनट। तो ये देखिए टिक ने बोला अभी, हेलो टॉम, कैसे हो तुम? अब जब टिक का बोलना हो जाएगा ना, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ दिखाता हूँ। आप चाहो तो टिक पे क्लिक करके टिक का एक्सप्रेशन भी चेंज कर सकते हो, आपको जो भी एक्सप्रेशन अच्छा लगे टिक का आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आप नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करने के बाद ही आप टॉम को बोलने के लिए बोलोगे। तो टॉम कैसे बोलेगा, आपको ये माइक पे क्लिक करना है, ये जो माइक देख रहे हो ना आपको इस पे क्लिक करना है, ये इस पे क्लिक करो पहले एक। तो यहाँ से मैं आपको टॉम की आवाज़ सुनाता हूँ। मैं ठीक हूँ टिक। तो ये देखिए अभी जो है टॉम भी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये टॉम बात कर रहे हैं, देख लिया आपने। अब वापस आप नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करोगे और इस नेक्स्ट फ्रेम पे अब टिक बात करेगी। तो आपको जब तक लगता है कि इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होना चाहिए तब तक आप ये कर सकते हो, और एक बार जब कन्वर्सेशन हो जाए तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना ध्यान रखना, बाकी आप ये स्टिकर या प्रॉप्स यूज़ करने हैं तो आप ये प्रॉप्स या स्टिकर यूज़ कर सकते हो। और कैरेक्टर में आप चाहो तो अगर आपको कोई और कैरेक्टर लेना है, ठीक है, अगर वो थर्ड कैरेक्टर ऐड करना है तो आप थर्ड कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो। और आप चाहो तो कैरेक्टर को ऐसे चला भी सकते हो, आप नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो है, तो इसके बाद आप जितना चाहो उतना आप नेक्स्ट फ्रेम कर सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पे पांच फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको मार्क करके दिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, चार पाँच तीन दो एक। अब मान लीजिए कोई फ्रेम आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस फ्रेम पे आपको क्लिक करना है। जैसे मुझे चार नंबर फ्रेम नहीं चाहिए, मैं फ्रेम पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वो फ्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपने जो वीडियो बनाया है वो आपको अगर देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्ले पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। जब आपको लगे वीडियो सही है तो इसके बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अगर आपको कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए मान लीजिए, तब कैरेक्टर पे क्लिक करके कैरेक्टर को भी डिलीट कर सकते हो। एक सेकेंड, तो जस्ट अ सेकेंड। तो ये देखिए आपको कैरेक्टर कैसे डिलीट करना है। जैसे मुझे टॉम कैरेक्टर डिलीट करना है, मैं टॉम पे क्लिक करूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे लिखा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द कैरेक्टर। यहाँ से आप इसको श्योर करके आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कैरेक्टर नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर सकते हो एंड देन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, इस तरह आप खुद का कार्टून वीडियो बना सकते हो। बाकी अगर आपको वाटर मार्क हटाना है, मतलब इस ट्विन क्राफ्ट का, तब इसका जो है पेड वर्जन भी ले सकते हो। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।